नमस्कार, मैं हर्षद रामचंद्र त्रिवेदी, मैं एक संगीतकार हूँ। यहाँ पर मुझे डिवाइन मेलोडी चैनल ने आपसे रूबरू होने का मौका दिया है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। संगीत मुझे मेरे पिता श्री पंडित रामचंद्र त्रिवेदी से मैंने प्राप्त की, उनसे संगीत की शिक्षा, और बाद में फिर आगे चल के मैंने उनके क्लास भी संभाल रहा हूँ। आज की तारीख में रणजीत स्टूडियो में क्लासेस है मेरे, और उसमें मैं संगीत सिखाता हूँ, इंस्ट्रूमेंटल और वोकल सिंगिंग। तो मैं साइड में ये म्यूज़िक डायरेक्शन भी करता हूँ। मैंने काफ़ी गाने रिकॉर्ड किए हैं, किशोरदा, आशा भोसले, यशुदास, अनवर, नितिन मुकेश, अनूप जलोटा। यशुदास और आशा भोसले जी का गीत था, तो डबिंग के टाइम पे यशुदास पहुंच नहीं पाए, तो आशा जी ने ज़िद पकड़ी कि मैं ये गाना यशुदास जी के साथ ही गाऊंगी। तो उन्होंने तीन बार उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी, कोचीन से आने वाले थे, तो बाद में अल्टीमेटली जाके रिकॉर्ड हुआ। गीत के बोल थे, ठंडी ठंडी चले रे हवा, हाय काहे जले बदन मेरा। तो फिर यशुदास जी जवाब देते, आजा मेरी बाहों में प्रिया, मैं चंदन चंदन पल में कर दूं बदन तेरा। तो इसकी दो लाइन मैं आपके सुनाना चाहता हूँ, गौर करिए। ठंडी ठंडी चले रे हवा, हाय काहे जले बदन मेरा, आजा मेरी बाहों में प्रिया, मैं चंदन चंदन पल में कर दूं बदन तेरा। ये गाने का मुखड़ा है। ये मेरा पहला गाना नहीं था, उससे पहले मैंने भूपेंद्र जी से गवाया था। मेरी लाइफ का पहला गाना है फिल्म के लिए, तो मैं आपको दो लाइन सुनाता हूँ उसकी। कभी जलाओ मुझे तुम, कभी बुझाओ मुझे, कभी जलाओ मुझे तुम, कभी बुझाओ मुझे। तुम्हें कसम है अभी और आजमाओ मुझे, कभी जलाओ मुझे तुम, कभी बुझाओ मुझे। अंतरा, तुम अपने दिल में तमन्ना की रोशनी के लिए, तुम अपने दिल में तमन्ना की रोशनी के लिए, जला सको तो बड़े शौक से जला, कभी जलाओ मुझे तुम, कभी बुझाओ मुझे। तुम्हें कसम है अभी और आजमाओ मुझे, कभी जलाओ मुझे तुम, कभी बुझाओ। आगे एक फिल्म के लिए मुझे एक सिचुएशन दी गई कि नेचर के ऊपर गाना लिखना है, तो इस तरह से मैंने मेरे प्यारे दोस्त और मशहूर गीतकार मदन पाल को अप्रोच किया कि भाई ये इस तरह की सिचुएशन मिली है, अभी मुझे गाना कंपोज करना है, तुम मुझे शब्द लिख के दो। तो इन्होंने बहुत ही खूबसूरत शब्द लिखे जो किशोरदा ने वो बाद में गाया, लेकिन बहुत ही बढ़िया
आप कंपोजिशन भी देखेंगे तो उसमें एक लुत्फ आपको मिलेगा कि वादी नेचर का डिस्क्रिप्शन उस गाने में है, और किशोर दा ने भी बड़े खूब अच्छे तरीके से गाया है। और इस गाने की एक और हाईलाइट है कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे जब किशोर दा हम लोग सब पैकअप हो गया, म्यूजिशियनों का पैकअप हो गया, और किशोर दा बाहर आ गए कैबिन के और कहा कि भाई ये गाना मुझे फिर से गाना, हमारे हिसाब से टेक ओके था। तो किशोर दा ने कहा कि भाई मुझे फिर से ही गाना है, मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो हमने कहा दादा यहाँ एक गाना गाओ पूरा या एक शब्द गाओ। तो 1800 रुपये उस टाइम में डबिंग चार्ज देना पड़ता था। तो किशोर दा ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा, उनका नाम हरिराम था, तो कह दिया उनको कि भाई वरीराम पेमेंट कर दो। तो बहुत बड़ी बात है कि किशोर दा की मतलब लाइफ में हिस्ट्री है कि किसी का डबिंग चार्ज दिया हो उन्होंने अपनी जेब से, तो ये भी एक हिस्ट्री है। और गाना रिकॉर्ड हो गया और गाने इतना खूबसूरत रिकॉर्डिंग हुआ और उस गाने के बोल भी सुनने लायक है जो मदन पाल जी ने, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त है, उन्होंने कितने खूबसूरत अंदाज में लिखा है कि लहराया है रुत का आंचल, लहरें नाचे बांध के पायल, ऐसा लगता है जैसे हो रही यहाँ गीतों की रचना। हो लहराया है रुत का आंचल आंचल आंचल, लहरें नाचे 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 बांध के पायल, ऐसा लगता है जैसे हो रही यहाँ गीतों की रचना। आंचल लहरें नाचे बांध के पायल, ऐसा लगता है जैसे हो रही यहां गीतों की रचना। ओ गीतों की रचना। टपक गपा सारे अंतरा सुनिए, स्वर जन में है इन लहरों से चाल नदी की छंद बुने, आगे यहाँ पर हर मौसम ने कितने सुरीले गीत चुने, महाकाव्य कोई बले इन पेड़ों की छाओं तले। ओ नाचे बांध के पायल, ऐसा लगता है जैसे हो रही यहाँ गीतों की रचना। ओ गीतों की रचना। देखा ना कितना सुंदर लिखा हुआ है, और कंपोजिशन तो आप डिसाइड करेंगे कैसी थी। अभी हाल ही में एक गाना रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, गणपति जी के ऊपर है, तो बहुत ही सुंदर गाना हमने बनाया है जिसके रचयिता है श्री मदन पाल जी और संगीत मेरा है। उसके शब्द है,
जब भी कोई शुभ कार्य किया सबने तेरा नाम लिया, कहीं पे मराठी, कहीं गुजराती, कहीं पंजाबी, गाते हैं तेरी महिमा, जय गणपति जय जय गणेश, तुझको पूजे सारा देश। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समाप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बापा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बापा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। जब भी कोई शुभ कार्य किया सबने तेरा नाम लिया, जब भी कोई शुभ कार्य किया सबने तेरा नाम लिया, कहीं पे मराठी कहीं गुजराती कहीं पंजाबी कहीं मद्रासी, गाते हैं तेरी महिमा, जय गणपति जय जय गणेश, तुझको पूजे सारा दे, जय गणपति जय जय गणेश, तुझको पूजे सारा देश। गणपति बापा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बापा मोरिया। छिड़े हुए मिल जाए हर दूरी मिटा ले हम, रूठे हुए अपनों को आ जाओ मना ले हम, चल मिल के जो में नाच गाए प्यार के रंग लुटाए, भैया ढोल मंजीरे बजाए कैसे कैसे। कहीं पे मराठी कहीं गुजराती कहीं पंजाबी कहीं मद्रासी, गाते हैं तेरी महिमा, जय गणपति जय जय गणेश, तुझको पूजे सारा दे, जय गणपति जय जय गणेश, तुझको पूजे सारा दे। गणपति बापा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बापा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। किशोरदा और आशा भोसले जी के साथ भी राग शिवरंजनी पर आधारित हमने गाना बनाया और उसके भी शब्द मदन पाल जी ने लिखे, तो उसके बोल थे, दिल दीवाना गाए मिलने के दिन आए, एक दूजे में खो जाए हम अपना आप भुलाए। तो देखिए कितनी सुंदर रीत से मदन पाल जी ने लिखा हुआ है, और ख़ास बात यह है कि किशोरदा और आशा भोसले जी के साथ ये गाना रिकॉर्ड हुआ है, और इसमें जो फ्लूट है वो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उन्होंने इस गाने में बड़े दिल से फ्लूट बजाई है। तो गाने की कंपोजिशन मैं आपको सुनाता हूँ। दिल दीवाना गाए मिलने के दिन आए, एक दूजे में खो जाए हम, एक दूजे में खो जाए हम अपना आप बुलाए,
है सरगम, प्यार के साज पे मिल के रहे हम। मैं नगमा हूँ तू है सरगम, प्यार के साज पे मिल के रहे हम। प्रीत के ताल पर गुनगुनाती हुई देख सागर से वो लहराती हुई। नदियां मिलने जाए दिल दीवाना गाए, मिलने के दिन आए। उन दिनों में मैं कॉलेज में पढ़ा करता था राजकोट में, तो उन दिनों में एक गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, जो उनको मैं मेरा गुरु मानता हूँ, उनका एक गाना रेडियो पर बजा। वो इस तरह से तीर दिल में लगा, मैं चाहूँगा कि वो गाने की दो लाइन आपको सुनाऊँ। राग था कलावती, फिल्म थी हरिश्चंद्र तारामती, और गीत के बोल थे, सुनाता हूँ। कभी तो मिलोगे जीवन साथी, कभी तो मिलोगे जीवन साथी, बिछड़ी रहे से बाती, कभी तो मिलोगे जीवन साथी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसकी तर्ज बनाई थी, जो मेरे दिल को इतनी छू गई कि मैं उनको गुरु की हैसियत से मानता हूँ, और उनका बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतनी अच्छी कंपोजिशन से मेरा दिल जीत लिया उन्होंने। शुक्रिया। मेरा दूसरा फेवरेट राग है शिवरंजनी, जिस पर कई गाने बने हैं और सब सुपर डुपर हिट है, जैसे जाने कहाँ गए वो दिन, और बहारो फूल बरसाओ, दिल के जरोखे में तुझको बिठाकर, अनगिनत गाने बने, सारे के सारे सुपर डुपर हिट है। तो मैंने भी एक गाना रिकॉर्ड किया है महेंद्र कपूर और अनुराधा पौडवाल जी के आवाज़ में, उसके शब्द है, जब तुम अपना कहते हो मुझको तन और मन खिल जाता है, यूं लगता है पिछले जन्म का तेरा मेरा नाता है। सुनिए। जब तुम अपना कहते हो मुझको तन और मन खिल जाता है, यूं लगता है पिछले जन्म का तेरा मेरा नाता है। जब तुम अपना के वो मोती बन जाता है, यूं लगता है पिछले जन्म का तेरा मेरा नाम।
कहते हो मुझको तन और मन खिल जाता है। काफी गाने गाए आशा जी ने हमारे, तो आशा जी हर वक्त कहती थी बेटा आपका भविष्य उज्जवल है, आप पूरी टीम का भविष्य उज्जवल है। और देखो आज आशा जी को भी याद कर लिया हमने, और हमारा एसोसिएशन ताउम्र रहेगा मेरा और मदन पाल जी का। और भी राइटरों ने मेरे गाने लिखे हैं, जैसे कि नक्शलाल पुरी, माया गोविंद और रविंद्र रावल जो काफ़ी फिल्में लिख चुके हैं, तो इस तरह से दिलीप ताहिल, उनके भी गाने मैंने कंपोज किए हैं। और मतलब इतने अनगिनत, हाँ श्याम अनुरागी जो इस दुनिया में इस वक्त नहीं है लेकिन उन्होंने भी मेरे गाने लिखे। मैं मुकेश जी का बड़ा फैन रहा हूँ, और जहाँ भी कभी महफिल में गाना होता है तो मैं मुकेश जी का ही गाना गाता हूँ, और मेरे बहुत दिल के करीब है। मुकेश जी की आवाज़ बड़ी मधुर थी और दिल को डायरेक्टली छूती थी, इसलिए मैं आई एम फैन ऑफ मुकेश जी। मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत ही महान कलाकार थे, और मैं तहे दिल से उनको बहुत चाहता हूँ। और उन्होंने हालांकि मेरा एक भी गाना नहीं गाया, लेकिन जब मैं असिस्टेंट हुआ करता था म्यूज़िक डायरेक्टर अजय विश्वनाथ का, तब रफ़ी साहब के बाजू में ही बैठता था, मैं ठेका देता था, वो गाते थे, लेकिन कितनी सुरीली आवाज़ थी। ओह, आज तक ऐसे रफ़ी साहब तो हमने पैदा नहीं किए, लेकिन भगवान उनकी आत्मा को शांति आए। महेंद्र कपूर ने मेरा एक गाना गाया माशाअल्लाह, वो भी अपने तरीके की आवाज़ लेकर आए थे, और उन्होंने भी काफ़ी गाने गाए, तो भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे। मन्ना डे साहब, ये ऐसे हीरे कहाँ आज है, इंडस्ट्री को उनकी कमी बहुत महसूस होती है, तो भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे। मेरे जीवन और मेरे कार्यकाल को लेकर जो इंटरव्यू डिवाइन मेलोडी चैनल ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।